दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है फ्लूक एंड ट्रेमेटोड्स, मतलब फ्लूक लीवर फ्लूक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो लीवर फ्लूक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा एवं वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसको हम हेपेटिक फैसिलोसिस भी कहते हैं, लीवर फ्लूक को हम हेपेटिक फैसिलोसिस कहते हैं। लीवर फ्लूक मतलब लीवर को ये अफेक्ट करेगा। लीवर फ्लूक जो है वो लार्ज साइज में होगा, फ्लैट होगा, और इसका शेप जो है लीफ लाइक होगा, पत्ता के जैसा होगा, और लीवर में होगा और बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होगा, रूमिनेंट में। और इसका कॉज का अगर हम बात करें कि किसके कारण से होता है, तो फैसियोला हेपेटिका या फैसियोला गिगेंटिका के कारण होता है दोस्तों। और ये फ्रेश वाटर स्नेल जो होता है उसमें प्रेजेंट होगा। इंटरमीडिएट स्नेल जो है इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। ट्रांसमिशन जो होता है इसका, अगर कंटामिनेटेड पॉस्चर को अगर या पानी को अगर जानवर खा लेगा या पानी पी लेगा तो उसके कारण से ये जानवर के शरीर में ये चला जाएगा, फैसियोला हेपेटिका, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम इसका लक्षण का बात करें दोस्तों, तो इसमें भूख की कमी हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, मिल्क यील्ड जो है दूध देने में दूध का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। और आप देखिए गर्दन के नीचे लटका हुआ रहेगा, उसको बोटल जब बोलते हैं, एनेमिया हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया होगा, और हो सकता है कि पशु की मृत्यु 2 से 3 दिन में हो जाएगी। लीवर फ्लूक में आप देखिएगा बाद में जॉन्डिस का लक्षण भी दिखाई देता है दोस्तों। आगे डायग्नोसिस का बात करेगा दोस्तों, हम लक्षण देख करके कर सकते हैं। और एग में एग प्रेजेंट होगा गोबर में, उससे आप कर सकते हैं। या पोस्टमार्टम में आप देखिएगा, पोस्टमार्टम अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपका उसका लीवर या फिर बाइल डक्ट में देखिएगा तो वो और लीवर फ्लूक उसमें प्रेजेंट होगा। ट्रीटमेंट का अगर बात करें तो ट्रीटमेंट कभी भी वेटनरी डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ऑक्सीक्लोजानाइड, इसमें 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट हम ओरली देते हैं, या ट्राइक्लोबेंडाजोल इसमें हम देते हैं 10 to 12 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं दोस्तों। तो और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में लीवर फ्लूक है तो लीवर को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 5 to 10 ml देते हैं IM। और दोस्तों इसका कंट्रोल का बचाव का अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा, जो हर्ड है उसमें जो प्रभावित जानवर है उसको हमको अलग करके ट्रीटमेंट करना होगा। और जो घोंघा है स्नेल है उसको हमको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि स्नेल के द्वारा घास भी चले जाते हैं, जानवर घास खाती है तो इन्फेस्टेशन हो जाता है लीवर फ्लूक का। और दोस्तों अगर हम इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो हमको जहाँ पे इस ढंग का आप एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे नदी किनारे है या पॉन्ड के किनारे है, वहाँ पे जानवर को चराने के लिए नहीं ले जाना चाहिए। साल में 2 बार फ्लूक को मारने के लिए दवा पिलाना पड़ेगा, और ये जो कि मानसून से पहले होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।